Assalamu alaikum, my dear students and viewers. To continue our class Boli, aap class 10th English. Jaisa ki aap jante hain, we are reading this short story and this is the 5th lecture for this short story. You will open your book at page number 129. I will read and will explain the meaning of the text. You know that now Boli was sent to school. Now the preparation for her marriage has been made. Now the marriage is taking place, and he has been married to a green grocer, to a merchant named Bishambar Nath. अब ये क्या होता है जब यहाँ बारात आती है, तो बारात में अब ये कहते हैं उसको, अब bring the bride, जब दुल्हन को लाया जाता है तो वहाँ एक रिवाज था, वहाँ ये जो दूल्हा होता है वो इसको हार पहनाता है, फूलों की हार पहनाता है. तो garland the bride, one of his friends prompted Bishambar Nath को किसी वहाँ जो साथी थे, दोस्त, उसने कहा कि आप ये जो दुल्हन है इसको आप हार पहनाओ. The bridegroom lifted the garland of the yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. तो दूल्हे के हाथ में जब ये marigolds का फूलों की हार दी गई, तो किसी दूसरे साइड में किसी औरत ने बोली के चेहरे से निकाब उतारा. And Bishambar took a quick glance. तो बिशंबर ने जल्द ही उसका ये चेहरा देखा. The garland remained poised in his hand. तो ये जो garland था, फूलों की हार थी, ये उसके हाथ में मुअल्लक रह गया. यानी वो जैसे हम कहेंगे, जैसे वो वहाँ हाथों में लेके वो पकड़ हाथों में पकड़ा और ऐसे ही खड़ा देखता रहा. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस. और जैसे उसने देखा कि बिशंबर नाथ ने उसके, क्योंकि उसके चेहरे पे पोक मार्क्स के निशान थे, तो उसने आराम से आहिस्ता आहिस्ता इस पर्दे को अपने चेहरे पर फिर डाला. Have you seen her? said the Bishambar to friend next to him. तो बिशंबर ने अपने दोस्त से कहा, आपने देखा इसको? She had poke marks on her face. उसके चेहरे पे दाग धब्बे हैं. So what? You are not young either. तो इस दोस्त ने कहा, जो फिर क्या हुआ? आप भी तो जवान नहीं हैं. आप भी बूढ़े हो और लंगड़े भी हो. Maybe, but if I am to marry, her father must give me 5,000 rupees. हाँ, अब बिशंबर ने कहा, चलो ठीक है, अगर ये शादी हो भी जाए तो उसके बाप को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे बतौरी जहेज. रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट. तो रामलाल चूंकि ज्यादा अमीर भी नहीं था, तो उसने अपना जो अमामा था, टर्बन, उसके पैरों में रख दिया, बिशंबर के पैरों में रख दिया. शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस. उसे कहा कि आप घबराइए नहीं, उसके चेहरे पे ये पोक मार्क्स हैं. डोंट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2,000 रुपीज. उसने कहा उसे, आप मुझे बेइज्जती मत कीजिए. ह्यूमिलेशन, इंसल्ट. ह्यूमिलेशन मीन्स इंसल्ट. आप हमें बेइज्जती मत कीजिए. यू विल टेक डाउन दीज नोट्स एंड देन सो टेक 2,000. आपसे 2,000 रुपये उसको दिए. नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर. नहीं, हमें 5,000 चाहिए, वरना हम वापस जाएंगे और अपने बेटी को रख लो. Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. तो उसने कहा, थोड़ा आप इसको नरमी, इसमें नरमी कीजिए, इसमें फर्क कीजिए, क्योंकि अगर आप वापस जाएंगे तो हम गांव में
मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने अब शादी का इंतज़ाम किया है, इतना हमने पैसा खर्च किया है, शादी की तकरीब हो रही है, बी ए लिटिल कंसिडर्ड। देन आउट विद 5, उसने कहा ठीक चलो ठीक, अगर आप कहते हैं फिर 5,000 रुपया लाओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, तो रामलाल के आंखों से आंसू बह रहे थे, तो ऐसे ही वो अंदर चला गया। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट काउंटेड द नोट्स, और बाहर चला गया, सेफ में से उसने पैसे निकाले और बाहर आ गया। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, तो उसने उसके पैरों में ये 5,000 रुपये रख दिए। द पीपुल अराउंड इन द सर्मनी दे आर लुकिंग, ये जो लोग वहां वो देख रहे थे। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड एट ट्रायम्फेंट स्माइल, तो उसके उसके चेहरे पे क्या मुस्कान आ गई, क्योंकि जब उसने ऐसा किया जैसे मैंने कोई चीज़ फतह किया है, कि उसने जहेज भी, वो जहेज भी लेता है और उसको भी वो बीवी को भी लेता है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, वो सोचता है उसने गेम खेली, उसने जुआ खेला और जीत लिया, उसने खेल खेला और जीत लिया। गिव मी द गर्लैंड ही अनाउंसड, हाँ अब उसने कहा हाँ चलो ये फूलों की हार लाओ, मैं अब उसको पहनाऊंगा। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक दफा फिर उसके चेहरे से पर्दा को हटाया गया। बट दिस टाइम हर आईज वायर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस वक्त उसकी जो आंखें थी वो नीचे नहीं थी, डाउन कास्ट, वो नीचे नहीं देख रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, अब वो ऊपर की तरफ देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड इन हर आईज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कंटेम्प्ट। अब वो अपने इस होने वाले हस्बैंड की तरफ देख रही थी और उसके आंखों में न गुस्सा था और न नफरत थी, लेकिन खाली क्या था, लेकिन उसके उसके आंखों में खाली नफरत थी, शरारत नहीं थी बल्कि नफरत थी। प्रोस्पेक्टिव मीन्स टू बी हैपन, जो होने वाला हस्बैंड था, प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड इज नेक, अब उसने ये फूलों की हार ली, अब इसको वो इसकी गर्दन में वो डालेगा, उसको उसको पहनाएगा। बट बिफोर ही कुड डू सो, बोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर, लेकिन जब वो इसको हार पहनाने लगा, तो बोली का हाथ ऐसे उधर आया एज अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, जैसे बिजली गिरी उस पे, जैसे जैसे बिजली की तरह, तो ये जो गार्लैंड है ये नीचे गिर गया, आग में चला गया। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील, और वो उठी वहां से और उसने पर्दे को भी हटा लिया। पिताजी सेड बोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, तो अब वो नहीं हकला रही है, उसने कहा पिताजी, एंड आर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशन्स एंड नेबर्स वेयर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टर। अब जो वहां उसका बाप था, माँ थी, बहनें थी, रिश्तेदार थे, भाई थे, हमसाया थे, वो परेशान हो गई, वो हैरान रह गई। स्टार्टल्ड STARTLED, स्टार्ट मीन्स सरप्राइज्ड, अब वो हैरान रह गई कि अब वो बोली नहीं है जो हकला रही थी, अब नाउ शी इज स्पीकिंग इन अ क्लियर वॉइस। रामलाल वाज थंडर स्ट्रॉक, नो पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी आप अपने पैसे वापस ले लो, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। नाउ द सीन चेंज्ड, रामलाल वाज थंडर स्ट्रॉक, तो रामलाल क्या हो गया, रामलाल वाद उसके जैसे उस पर बिजली गिरी, तो उसके अरमानों को सैलाब आ गया, वो खाक में मिल गई। द गेस्ट्स बिगैन टू विस्पर, अब जो मेहमान उधर थे, दे बिगैन टू विस्पर, अब वो एक दूसरे के कानाफूसी करते हैं। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, सो वो कहते हैं कि ये कितनी बेइज्जती है, ये कितना यहाँ गलत हुआ। बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, तो रामलाल ने उस पर चिल्लाया, बोली आप पागल हो गई हो, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, आप अपने खानदान को बेइज्जत करना चाहते हो, डिसग्रेस, हैव यू हैव सम रिगार्ड फॉर द इज्जत, हैव सम रिगार्ड फॉर द
फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ ख्याल कीजिए, हमारी इज्जत का कुछ ख्याल कीजिए। फॉर द सेक ऑफ इज्जत सेड बोली, बोली ने कहा हाँ आप इज्जत कह रहे हैं, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत के खातिर मैं इस लंगड़े और बूढ़े से शादी करने के लिए तैयार थी, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पटिबल कवर्ड एज माई हजबेंड, लेकिन मैं ऐसे लालची निकम्मे और ऐसे काबिल नफरत आदमी को अपना हस्बैंड नहीं देखना चाहती हूँ। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, शी इज रिपीटिंग दीज वर्ड्स, आई वुड नॉट मैरी हिम बिकॉज ही इज अ ग्रीडी पर्सन। व्हाट अ शैमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ होमलेस डंकाउ, और ये कैसी लड़की है, ये लोग कह रहे हैं वहाँ, ये कैसी लड़की है, हम कह रहे हैं ये सीधी साधी जैसे गाय गाय की तरह है, लेकिन यह बोल रही है। I think we will close this lesson today. Thank you.